नमस्कार पॉजिटिव भारत सहित अपूर्व सकारात्मक खबर आसी पहुंची ओलंपिक्स रु से खबर सहित आरंभ करिबा आज बुलेटिन भारत को एथलेटिक्स रे प्रथम स्वर्ण पदक जावलिन थ्रो इवेंट रे नीरज चोपड़ा जीतिले व्यक्तिगत स्वर्ण इतिहास रचिले भारत ए सुना पुअ भारत स्वाधीनता पर स्वर्ण पदक हासिल करिबारे नीरज होती प्रथम आथलेट से केवल पदक जीति ना बर देश इतिहास रचिंट कहले अत्युक्ति हेब ना द्वितीय भारतीय भाव ओलंपिक्स रे स्वर्ण जीति नीरज यह पूर्व शूटिंग रे अभिनव बिंद्रा भारत पर स्वर्ण जीति नीरज आज इतिहास सृष्टि करने भारत 2012 मेडल टाली रेकर्ड को भी भांगी दे भारत 2012 छह पदक जीति बेले एथर सात पदक जितना सक्षम हो नीरज आज प्रथम प्रयास दम देखा प्रथम से 87.03 मीटर जावलिन को फोपाड़ी और द्वितीय प्रयास में से रेकर्ड 87.58 मीटर दूरता को जावलिन फोपाड़ी स्वर्ण पदक पक्का करी प्रथम राउंड में 87.03 मीटर दूर जावलिन थ्रो करते सेकेंड राउंड में 87.58 मीटर थ्रो करते जावलिन तृतीय राउंड में 76.79 मीटर दूर जावलिन थ्रो करते भारत पर सुना पदक आनी आज जाए ओलंपिक्स में कौन संस्करण में भारत कहीं भी एथलेटिक्स पदक जीति नेष थर पर 19 मसीह जुलाई 22 में ब्रिटिश इंडिया रा नोरमान प्रिटचार्ट 200 मीटर रनिंग इवेंट रे रौप्य जीति नीरज चोपड़ा एथसहित केवल ओलंपिक्स नुहे पूर्व एशियन गेम्स रे मध्य स्वर्ण जीति कॉमनवेल्थ गेम्स रे मध्य स्वर्ण जीति 2016 रियो ओलंपिक्स रे मध्य से आशा रखी पदक जितने किंतु जेहेतु एंट्री मिल ना तेणु तक 4 वर्ष अपेक्षा करने को पड़ा 2020 टोक्यो ओलंपिक्स रे से निजर स्वप्न को साकार करते प्रथम भारतीय भाव फिनलैंड ट्रैक रे एथलेटिक्स विभाग रे से स्वर्ण जितबारे सक्षम होती व्यक्तिगत तो इवेंट रे द्वितीय भारतीय स्वर्ण जीति पूर्व अभिनव बिंद्रा शूटिंग रे स्वर्ण जीति दीर्घ दिन धरी ओलंपिक्स रे जो स्वर्ण पदक मरुड़ी पड़ा ताकूँ के भांगी नीरज चोपड़ा भारतवासी को स्वर्ण जीति सुशांत साहू आम प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना पर सुशांत जो स्वर्ण मरुड़ी पड़ा क्योंकि नीरज ता पूरण कर पारे निश्चित भाव अपूर्व आप देखु प्रथम आप जानते महिला डिस्कस थ्रो खिलाड़ी कमलप्रीत कौर जिते बड़े मानने क्वालिफायर राउंड खेली फाइनाल को जाते आम आशा करूँ जे भारत को गोटे आथलेटिक रे किछि ना किछि पदक मिलिबो एवं कमलप्रीत कौर किछि कमाल करिबे मात्र से टिके अल्पर वंचित होइथिले एवं कमाल करि पार नथिले तेणु समस्त आशा एवं समस्त नजर रही नीरज को उपरे नीरज किछि धमाल करिबे कि नहीं नीरज भाबे आपण देखंतु क्वालिफायर राउंड जे जो खेली थे जेबे अगस्ट 4 तारीख से जो क्वालिफायर राउंड खेली थे से 86.65 मीटर जोटा कि सब 32 जन जो कैंडिडेट थे समस्त भितर सब टॉप थिला एवं गोटाई थ्रो रे ही से सीधा सड़क फाइनाल क्वालिफाई करते एवं फाइनाल आपड़ जो टिके पूर्व जोटा कहते दमदार प्रदर्शन प्रथम थर 27.03 मीटर और द्वितीय थर 27.58 मीटर तांकर जी रेकर्ड जो दुई थर जो फिंगीते अगर कौन भी जो रही अगर 11 जन मध्य जड़े किए भी जावलिन थ्रो थ्रो खिलाड़ी से माने भी मानने 87 मीटर क्रस भी कर पार नथिले तेणु ए दृष्टि लगुच प्रथम क्यारिययर बेस्ट हूँ 88 अंपक्ष गोटे रही जोहानस भेक्टर जी रही है जर्मानी खिलाड़ी सी आहत हो जाते तांकर मध्ये जदि देखिबा तांकर परफॉर्मेंस मध्ये भल रही एवं सी भी जने अभिज्ञ खेलाड़ी किंतु जेतेबेला से गोटाई राउंड केवल फिंगिकी जेतेबेला आहत हो जाइतिला सेतेबेला गोटे एक प्रकार बरदान सब्यस्त होइतिला भारतीय खेलाड़ी नीरज चोपड़ा के ऊपर नो डाउट नीरज चोपड़ा जेतेबेला भी क्वालिफायर राउंड रे माने जोहानस भेक्टर ठारु अधिक फिंगी किंतु मात्र तथा टी भय रही है कहीं पाखे अभिज्ञता अच्छी पूर्वर रियो ओलंपिक रे सी निज कमाल देखे पार्टी रियो ओलंपिक रे जो सब जावलिन थ्रो रे इवेंट जीति से समस्त खेलाड़ी को नीरज चोपड़ा पछरे पकड़ ये आप देखिपे जड़े 23 वर्षीय मानने भारतीय खेलाड़ी दम मान जो भाव से एंट्री करी जो भाव प्रथम ओलंपिक रे जो भाव दमदार प्रदर्शन करहत भाव आप देखु किसी समय पूर्व जोटा कि आम जो स्वतंत्र लाइव देखु घर सामन देखु कौली भाव उत्सव माहौल था आप जानते राष्ट्रपति आरंभ कर केन्द्रमंत्री केन्द्र क्रीड़ा मंत्री समस्ते ट्वीट कर अभिनंदन जनावंट अंपक्ष खेल में निहती भाव आम कह भारत आप देखु रियो ओलंपिक रे भारत मात्र 2 पदक हासिल करतमान देखु टोक्यो ओलंपिक रे 7 पदक हासिल कर सारे अंपक्ष आप जो कहते जो मरुड़ी थी स्वर्ण पदक व्यक्तिगत इवेंट रे 2000
2008 ओलंपिक रे अभिनव बिंद्रा शूटिंग रे स्वर्ण पदक जीति परठारु कौनसी भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक रे स्वर्ण पदक जीति पारि नथिले। अन्य पक्षरे आपण देखंतु पुणी आउतरे इतिहास रचिछन्ति नीरज चोप्रा। सेइ भली केवल नीरज को व्यतीत नुह अन्य मध्य अन्य जो सब क्रीडाबित आपण हॉकी को कथा कोंतु किबा अन्य जो सब इवेंट कथा कोंतु समस्त खिलाड़ी भलो प्रदर्शन करबा सह भारत को गौरवान्वित करिछन्ति। प्रथमरु आपण जदि देखिबे प्रथमरु आपण देखंतु मीराबाई चानू जे कि ओलंपिक रो प्रथम दिन रे भारत को पदक देइतिले एवं भारत को रौप्य पदक जिताइतिले। जेतेबेले उत्तर कोरिया रो वेट लिफ्टर माने कोविड को भय करिक जेतेबेले ओहरी जाइतिले ए मेगा इवेंट रु तेणु मीराबाई चानू कर पदक जितिबा एक प्रकार निश्चित हो जाइतिला एवं सीए मध्ये ताहा करिक देखाइले। एवं प्रथम दिन रो शेष सुधा भारत रो गोटे जो रौप्य पदक पाई भारत मेडल तालिका रे 8 नंबर रे रहितिला। एटा होउची ओलंपिक इतिहास रो प्रथम थर पाई जोटा कि हेइतिला भारत केबे भी माने ओलंपिक रो जो पदक तालिका रे 10 भितरे रही नथिला केवल सेही गोटाई दिन ही भारत पदक तालिका 8 भितर रही। अन्य पक्षे पीवी सिंधु को कथा कहतु पीवी को सिंधु को ठारु आमे मध्ये स्वर्ण पदक हासिल आशा करथिले काहेकि ना कैरोलिना मारिन जे तांकु माने हराइथिले रियो ओलंपिक फाइनाल ले सीए जेहेतु खेलु नथिले तेणु सिंधु को ठारु आमे मध्ये आशा करथिलु स्वर्ण पदक। मात्र सिंधु टिके वंचित होइथिले सेमीफाइनाल ले विश्वर नंबर वन खेलाड़ी ताइजु को ठारु परास्त होइथिले। अन्य पक्षे आपण देखुथिबे ब्रोंज पदक पाई जो मुकाबला होता से कम बैक करते विजय हासिल करते सबुठ बड़ विस्मय था लवलीना बार्गोहेन। आपड़ जानते जड़े 23 वर्षीय आसामी खेलाड़ी एवं प्रथम आसाम महिला खेलाड़ी जीक ओलंपिक रे प्रतिनिधित्व करोभवे दमदार प्रदर्शन विश्वर बड़ बड़ बक्सर सामने जो भाव दमदार प्रदर्शन करते मात्र सेमिफाइनाल हारिक फाइनाल खेल वंचित होते निहत भावे आपड़ प्रदर्शन मत देखिथे। से हीपर रवि कुमार दहिया 57 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग जोटा सी करती एक प्रकार से भल कैंडिडेट थे स्वर्ण जितिए आम आशा करूँ कितु जेहेतु से फाइनाल पराजय बरण कले रौप्य पदक हासिल कले। से ही भाव अन्य कथा जी कह दीपक पुनिया जे कि पदक रु अल्पके वंचित होतीपर भाव आपत देखु अन्य कथा जदि कह कि पूर्व जोटा देखुले आदिति अशोक कथा कह होती भारतीय महिला गल्फ खेलाड़ी सीए मध्य 4 नंबर रही थे जहाँकि मेडल पाइबार टिके वंचित होते हीपर कितु आज नीरज चोप्रा जोटा कर देखते निहत भावे समस्ते भारतीय आज से गर्व करमें आशा करुच्छू नीरज चोप्रा जो भाव ये पदकटी हासिल कले पदकटी हासिल कले अनेक युव क्रीड़ाद को यह मोराल बुस्ट कर आगामी आगामी जो ओलंपिक आसपर भाव भारत आहरी पदक अधिका जितना गोटे प्रेरणा जोगे अपूर्व। ओके बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत साहू प्रतिनिधि तमाम अपडेट देउथले जे नीरज को उपरे केमभली आशा थिला एवं पूर्वरु जो मानको उपरे आशा थिला से माने भलो प्रदर्शन तो करथिले किंतु स्वर्ण जीति पारि नथिले तेणु नीरज को उपरे आशा थिला और नीरज शेषरे से आशा को साकार करिछंती एवं प्रत्येक भारतीयों जो आशा थिला जे स्वर्ण पदक जितिबे नीरज चोप्रा ताहाकु से पूरण करिछंती। तो दुईट प्रतिक्रिया आम पाखे अच्छी नीरज चोप्रा बापा प्रतिक्रिया अच्छी तहत आउजे संपर्कों प्रतिक्रिया अच्छी और तहत केन्द्र क्रीड़ामंत्री प्रतिक्रिया अच्छा आसू शुणा। हमारे बेटे के थ्रू पूरा हुआ है बहुत खुशी हो रही है। और आप देख रहे थे एक प्रार्थना भी कर रहे थे Let me first congratulate Neeraj Chopra for his outstanding performance. I think every Indian was glued to the TV channel. Historic win, a great achievement. Olympic itihas mein aaj Bharat ne pehli baar ye itihas banaya jahan ek aur Neeraj Chopra ne shandar pradarshan karke swarna padak jeeta hai. Itihas vyaktigat roop se bhi banaya aur desh ko bhi sarvadhik medal jitane mein ek bahut badi bhumika nibhai hai. मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है, स्वर्ण पदक भी जीता है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। आज बहुत प्रसन्नता और हर्ष का विषय है कि भारत ने पहला गोल्ड जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता है। पूरे देश के अंदर खुशी उल्लास है। निश्चित रूप से चोपड़ा के कारण जो हमने गोल्ड जीता है उससे देश के नौजवानों को नई प्रेरणा मिलेगी।
नीरज चोपड़ा स्वर्ण जितिबा परे पूरा देश में वर्तमान उत्सवर माहौल एवं रियो ओलंपिक्स शेष दिन में भारत क्षमा करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स शेष दिन में भारत पाई खुशी खबर आनी देखते नीरज चोपड़ा एवं जो स्वर्ण मरुड़ी पड़ आसाला एत दिन पर्यंत ताकि दूर कर नीरज भारत पाई प्रथम आथलेट भाव से ओलंपिक्स स्वर्ण जीति आप देखते पॉजिटिव भारत समय एक ब्रेक र ब्रेकफास्ट स्वागत देश में कोरोना लड़ाई में सामिल है आउ एक वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी रा सिंगल डोज वैक्सीन को जरूरी कालीन अनुमति एने ट्वीट करी सूचना देछि केंद्र स्वास्थ्य विभाग एने की कोरोना पे सिंगल डोज वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन टीका को जरूरी कालीन अनुमति एबे सुधा देश रे 5 वैक्सीन को अनुमति भारत में अमेरिका कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन रो सिंगल डोज वैक्सीन को जरूरीकालीन अनुमति प्रदान करिसेंती केंद्र सरकार एने ट्वीट करी सूचना देछेंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य या सहित जरूरीकालीन व्यवहार पई देशे थिबा टीका संख्या 5 को वृद्धि पाइछि एहा देशरे प्रथम सिंगल डोज टीका जहां कोरोना विरुद्ध रे फलप्रद हेबो कोरोना लड़ाई रे देश को आउ एक शक्ति मिलला बोली कहिसेंती स्वास्थ्य मंत्री जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी रो सूचना अनुसार वैक्सीन रो ट्रायल बेले 85% फलप्रद बोली प्रमाणित हो सारी एमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन आमर जो जॉनसन एंड जॉनसन रो सिंगल शॉट वैक्सीन आम देश रे देबा पाई प्रचलन कले आमे निश्चित भावे ये आमको बहुत बहुत साहाज्य करिवो आमर सिंगल शॉट द्वारा आगुर जोटा डबल डोज दिया होतला आमे कोविड को निश्चित भाव परास्त करिबा सेथिपाई समस्त मोर अनुरोध ए सिंगल डोज वैक्सीन जत्ते जल्दी पारिबे आपणे नियंतु देशरे वर्तमान कोविशील्ड कोवैक्सीन स्पुटनिक वी एवं मॉडर्ना परे जॉनसन पंचम टीका देशरे वर्तमान सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ कोविशील्ड भारत बायोटेक कोवैक्सीन एवं रूस रो स्पुटनिक वी व्यवहार होउछि सरकारी केन्द्र रे कोविशील्ड टीका दिया जायछि घरोई हॉस्पिटल रे स्पुटनिक वी उपलब्ध रहैछि मॉडर्ना परे जॉनसन हुची द्वितीय अमेरिकी टीका भारत रे एहार व्यवहार लागि अगस्त 5 तारिख रे सरकारन को थारु अनुमति मागिथिला कंपनी ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज महामारी जनित संकट समय रे देशर गरीबंक कल्याण को अग्राधिकार देछि केन्द्र केन्द्र सरकार देछिन बा भारत ए समय रे देशर 80 कोटी रु अधिक नागरिकंक मागणा रे राशन जुगाई दिया जाउछि मागणा रोषेई गैस सिलिंडर जनधन योजना रे महिलांक आर्थिक सहायता वन नेशन वन राशन भली जनहितकारी योजना कराई देश में निजुक्ति बढ़ावा उपर गुरुत्व देखते सरकार महामारी मुकाबला समय रे गरीबों को अग्राधिकार देखते केंद्र सरकार गरीब कल्याण अन्न योजना रोजगार योजन लोकं मिली खाद्य और निजुक्ति देशर 80 कोटी लोक मिलू मागणा राशन मध्यप्रदेश गरीब कल्याण अन्न योजना हिताधिकारी प्रधानमंत्री आलोचना लोकल फॉर वोकल अभियान रे शामिल होगा आह्वान महामारी जनित संकट समय रे देशर गरीबों कल्याण को अग्राधिकार देछि भारत एही समय रे देशर 80 कोटी रु अधिक नागरिकों को मागणा रे राशन जोगाई दिया जाउछि एहा द्वारा केवल मध्यप्रदेश रु 5 कोटी लोक उपकृत होउछन्ती एहा मध्यरे देशर 8 कोटी गरीब परिवार को मागणा रोषेई गैस सिलिंडर जोगाई दिया जिबा सह जनधन योजना रे 20 कोटी रु अधिक महिला अकाउंट को 30,000 कोटी टंका प्रदान करा जाइछे श्रमिक कृषक अकाउंट को मध्य हजार हजार कोटी टंका प्रदान करा जाइछे वन नेशन वन राशन कार्ड प्रचलन करा जाइछि बोली प्रकाश करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दिन मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हिताधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोगे कथा हेबा बेले एहा प्रकाश करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना पहले दिन से ही गरीबों और श्रमिकों के भोजन और रोजगार की चिंता की गई इस पूरे कालखंड में 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हेउ बा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना
ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସହ ରୋଜଗାର ମିଳିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ସରିନାହିଁ। ବିଗତ ଶହେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ସମାଜ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ସହ ଟିକା ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମାସ୍କ, ଟିକା ଔର ଦୋ ଗଜ କି ଦୂରୀ, ୟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ହମେଁ ସ୍ୱସ୍ଥ ଭାରତ କା ସଂକଳ୍ପ ଲେନା ହୈ, ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ କା ସଂକଳ୍ପ ଲେନା ହୈ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟମାନେ ହସ୍ତନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେରା ଆପ ସଭି ସେ ପୁରେ ଦେଶ ସେ ଆଗ୍ରହ ହେ କି ଆନେ ୱାଲେ ତ୍ୟୋହାରୋ ମେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କା କୋଇ ନ କୋଇ ଲୋକାଲ ଉତ୍ପାଦ ଜରୁର ଖରିଦେ, ହମାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ କୋ ମଦଦ କରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ମହାମାରୀ ଜନିତ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରି କୋଭିଡ୍ ସ୍ତରକୁ ଫେରିଛି ନିଯୁକ୍ତି ହାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ହାର କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ସହିତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ବାବଦରେ Naukri.com ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ନୌକରି ଜବ୍ସ ପିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁସାରେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି 2,369 ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା 2,625। ମୋଟ 11% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଭାରତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ବଜାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସରେ ଏଥିରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଜୁନ୍ରେ 15% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ଜୁଲାଇରେ 18% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ଟ୍ରାଭେଲ, ରିଟେଲ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେକ୍ଟରରେ ଲଗାତାର 2 ମାସ ଧରି ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦେଶର 4 ମହାନଗରରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଧାରା ଉଠିବା ପରଠୁ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠାକାର ନାଗରିକ। ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଟକଣା ଥିଲା, ସେଠାରେ ଏବେ ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଉଛି। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ତରଫରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବାରମୂଳାରେ ବୁନିଆରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ବାଳିକା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ। We are very thankful to army for this great organization. Har ek ko part lena chahiye, isme har ek ke liye benefit hai, girls, zyada girls ke liye. So hame isme part lena chahiye har ek game mein, taki hum apna naam roshan kare, school ka naam roshan kare, parents ka naam roshan kare. Isme hamara hi fayda hai aur army yahan ki bahut achhi hai. Hamare school mein 5-6 bachon ne part liya tha aur hamara jo matlab pehle semi-final hua, quarter final hua, ab aaj final tha jo humne jeeta. ଲଗାତାର 2 ଧରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। 2 ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି 3 କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କୀ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାଜୌରୀ ସେକ୍ଟରରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବଡ଼ଗାମ୍ ନିକଟରେ ଆଉ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ତରଫରୁ ତଲାସ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ବୁଣାକାର ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୋ ହସ୍ତତନ୍ତ ମୋ ଗର୍ବ, ଏଣୁ ସବୁ ବୁଣାକାର ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଣାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପିଲାର ବାପା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପାରିବାରିକ ସାଙ୍ଗିଆ ବା ଉପନାମ ରଖିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଣିକି ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ନିକଟରେ ମାନ୍ୟବର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଚାହିଁଲେ ବାପା ବଦଳରେ ନିଜ ମାଆର ସାଙ୍ଗିଆ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାଁ ପାଖରେ ଲଗାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ବୟସ କେତେ ବା ସେ ସାବାଳକ ବା ବାଳିକା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଏକ ମାମଲା ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ନାଁ ସହିତ ମାଆର ସାଙ୍ଗିଆ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରେଖା ପଲି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ କେବେ ବି ପିଲାର ସାଙ୍ଗିଆକୁ ବାପାର ସାଙ୍ଗିଆ ଅନୁସାରେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଶିଶୁଟି ଯଦି ମାଆର ସାଙ୍ଗିଆ ରଖି ଖୁସି ଅଛି ତେବେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି, ଏବଂ ଏହା ତାର ଅଧିକାର ବୋଲି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଚାରପତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନରୁ ପରିବାର ପିଛା କିଲୋ ଚାଉଳ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ଡିଲର। ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରି ବ୍ଲକ ବାଲିବିଲି ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ହେଲେ ଏଠି ପରିବାର ପିଛା କିଲେ ଚାଉଳ ହଡପ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘଟଣାରେ କେବଳ ଡିଲର ସମ୍ପୃକ୍ତ ନା ଡିଲରଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି ଆଉ କିଏ? ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ହେବ କି ଏହାର ତଦନ୍ତ? ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମୟ ସରିଛି, ପଜିଟିଭ ଭାରତ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।